तुम्हें ये एक मिनट रुक के जान लेना चाहिए कि इस साल दिसंबर में मूवीज के साथ हो क्या रहा है। जहां सबसे पहले दिसंबर 1 को रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज होगी, जिसके साथ विकी कौशल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी साम बहादुर क्लैश करेगी। देन फिर 8 दिसंबर को कटरीना कैफ की मेरी क्रिसमस आएगी, जिसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी रिलीज हो रही है। जहां फिर 15 दिसंबर को धनुष की कैप्टन मिलर रिलीज होगी, जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर इसी दिसंबर 22 को इस साल की दो सबसे बड़ी मूवीज रिलीज होंगी, डंकी एंड सलार, एंड दोनों के बीच में भयंकर क्लैश है। एंड अब जो कि भाई दिसंबर एक क्रिसमस हॉलीडे है, तो हॉलीवुड के लिए भी बहुत ही बड़ी बात होती है, जहां वो 8 को विली वोंका की एक मूवी रिलीज कर रहे हैं, एंड देन 20 को अपने पुराने डीसी की आखिरी मूवी एक्वामैन 2 रिलीज हो रही है, एंड 22 को ही जैक स्नाइडर की रेबल मून भी रिलीज हो रही है। एंड पता है दिसंबर में और क्या आ रहा है? गॉडज़िला माइनस वन की इंटरनेशनल रिलीज डेट 1 दिसंबर है। तो कैसे करना है, कुछ प्लान बनाया है?